शेख, मेरा सवाल यह था, अभी कुछ महीने पहले मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया शेख, तो उनके फ़ोटोज़ और वीडियोस मेरे मोबाइल में है शेख, तो कभी कभी मन करता है देखने का, याद हो रहा आती है तो उनको मैं देखता हूँ शेख। तो मोबाइल में मेरा सवाल यही था, क्या फ़ोटोज़ और वीडियोस उनके रखना दुरुस्त है, और अगर देखते हैं तो क्या उनको इस चीज़ का गुनाह वगैरह मिल जाएगा क्या शेख? बारकल्लाह फिक। देखिए, उनके जी फोटोज और वीडियो रखना इसमें कोई बुराई नहीं है, इस शर्त के साथ कि इसमें शरीयत की कोई मुखालफत ना पाई जाए। शेख इब्न उसैमीन और बाज़ उलमा ने जिक्र किया है इस मसले को कि अगर किसी मैयत की तस्वीर को हम रखते हैं और उस तस्वीर को जब भी हम देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं, तो फिर ऐसी जी सूरत में वो तस्वीर रखना और उसे बार बार देख करके गमगीन हो जाना, ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है कि हमारी शरीयत ये नहीं चाहती है कि हम कोई भी ऐसा सबब, कोई भी ऐसा वसीला इख्तियार करें, किसी भी ऐसे रास्ते पर जाएं जहां पर हमें हम्मो हुज्र मिले, जहां पर हमें गम और तकलीफ मिले और हम मकमूम और महमूम हो जाएं। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि एक मोमिन बंदा हम और गम के अंदर मुब्तला हो, तो हर वो चीज जो हमें हम और गम में मुब्तला करे हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी तस्वीर रखा है, कभी उसको देख लेता है, लेकिन उसको देखने से उसे कोई हम और गम लाहिक नहीं होता है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई जी हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके वालिदैन की वफात हो जाए या किसी करीबी की वफात हो जाए तो उसको भूलना ही नहीं चाहते हैं, वो उसी गम के अंदर जीना चाहते हैं। तो अगर उसी गम के अंदर आप जीने पर मजबूर हो रहे हैं उस तस्वीर की वजह से, तो उसको मत रखिए। लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं है तो इंशाल्लाह उसे रखने में कोई हर्ज नहीं है। और शेख, देखने पे ऐसा कुछ मैयत को गुनाह वगैरह नहीं मिलता ना शेख? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल सुनने नहीं। में आता है अगर हमें। वो आपका अमल है, उस पर मैयत को क्यों गुनाह मिलेगा।